सम इम्पोर्टेंट फॉर्म ऑफ कार्बन, एलोट्रॉपिक फॉर्म ऑफ कार्बन। देखिए, आज हम कार्बन के एलोट्रॉपिक फॉर्म करेंगे। जो सबसे इम्पोर्टेंट फॉर्म्स होती हैं वो होते हैं डायमंड, ग्रेफाइट और थर्ड है जो कि है फ्लोरेंस। देखिए, डायमंड और ग्रेफाइट हम ऑलरेडी कर चुके हैं अपने पहले कार्बन के टॉपिक्स में, ऑलरेडी हम इसको एक्सप्लेन कर चुके हैं। तो आज हम स्टार्ट करेंगे फ्लोरेंस से। फ्लोरेंस जो कि 1985 से पहले ही डिस्कवर हो गया था, ये क्या है कि डायमंड और ग्रेफाइट के बाद ये थर्ड एलिमेंट, थर्ड कार्बन की एलोट्रॉपिक फॉर्म बनी थी। थर्ड क्रिस्टलाइन एलोट्रॉप ऑफ कार्बन इसे बोला गया था, जिसे जिसको नाम दिया गया था फ्लोरेंस। अब इसमें देखिए, ये जो है इसकी जो प्रिपरेशन है वो किस तरह से की जाती है। इसकी प्रिपरेशन में सबसे पहले जो ग्रेफाइट होता है उसमें इलेक्ट्रिक आर्क की हेल्प से और हीलियम और अर्गन गैसेस की हेल्प से ग्रेफाइट को वेपर कार्बन में कन्वर्ट किया जाता है। जो हमारे पास फ्लोरेंस होता है ये कॉन्स्टिट्यूट, ये नई फैमिली है कार्बन की और एलोट्रॉपिक फॉर्म है कार्बन की। इससे वेपर कार्बन्स बनते हैं। वेपर कार्बन्स को फिर कंडेंस किया जाता है। कंडेंस करके हमारे पास फ्लोरेंस सूट बनती है। इसमें C60 होता है, यानी कि 60 कार्बन, 660, और C70, थोड़े अमाउंट C70 होती है। जब ये जो हमारे पास सूट प्रोड्यूस होती है, फ्लोरेंस सूट प्रोड्यूस होती है, इसे क्रोमेटोग्राफी की जाती है, जिसे C60 और C70 यानी कि फ्लोरेंस जो है वो सेपरेट कर लिए जाते हैं। तो ये इसकी प्रिपरेशन है। अब हम देख लेते हैं कि जो C60 होता है वो पर्पल कलर का होता है, जो C70 होता है ये ऑरेंज रेड कलर का होता है। अब देखते हैं ये जो होता है फ्लोरेंस, ये एक सॉकर बॉल की तरह होता है। इस हम कुछ अभी कभी इसे बल्की बॉल भी कहते हैं। इसमें जो मेंबर्स होते हैं, जो 6-6 रिंग के मेंबर्स होते हैं वो 60 होते हैं, और जो 5-5 रिंग के मेंबर होते हैं वो 12 होते हैं। अब हम देख लेते हैं इसकी प्रॉपर्टीज। जो फ्लोरेंस होता है ये कोवलेंट होता है और सोल्यूबल होता है ऑर्गेनिक सोलवेंट्स में। ग्रुप 1 जो कि अल्कली मेटल होते हैं, इनके साथ ही इजिली रिएक्ट कर जाता है, रिड्यूस हो जाता है। नेक्स्ट, ये प्लेटिनम कॉम्प्लेक्स फॉर्म करता है। अब हम देख लेते हैं इसका यूज। देखिए, इसके जो यूज हैं, वैसे तो इसका प्रैक्टिकली कोई यूज नहीं है, लेकिन इसका यूज नैनो टेक्नोलॉजी एप्लीकेशंस के लिए किया जाता है। नेक्स्ट जो है अमोर्फस, जो हमारे पास इलेक्ट्रो फॉर्म होते हैं कार्बन के, वो कौन कौन से होते हैं? इसके कार्बन के भी कई फॉर्म होते हैं, सिर्फ डायमंड, ग्रेफाइट और फ्लोरेंस नहीं होते, और भी होते हैं, जैसे कि कॉक, कॉक चारकोल और कार्बन ब्लैक। देखिए, जो कॉक होता है ये ग्रेइश ब्लैक कलर का होता है और एक हार्ड सॉलिड होता है, और इसको डिस्ट्रक्टिव डिस्टिलेशन से प्रोड्यूस किया जाता है, यानी इसको स्ट्रोंग हीट किया जाता है एयर की एब्सेंस में। ऐसे हीट किया जाता है जहां पे एयर की एब्सेंस होती है, एयर प्रेजेंट नहीं होती है। इसके अलावा चारकोल, जो सेकंड फॉर्म होती है, जो अमॉर्फस एलोट्रॉप होता है चारकोल, चारकोल 4 तरीके से यानी 4 टाइप से इन्हें प्रोड्यूस किया जाता है। जैसे कि सबसे पहले है वुड चारकोल। इसमें क्या होता है कि जो वुड यानी लकड़ी होती है, इसमें एयर की लिमिटेड सप्लाई दे के उसको हीट किया जाता है, फिर हमें वुड चारकोल मिलता है। नेक्स्ट होता है एनिमल चारकोल। एनिमल चारकोल जिसे कि बोन ब्लैक भी कहते हैं, इसमें जो चारकोल, जो ये जो चारकोल बनाया जाता है, जो एनिमल्स की बोन्स होती हैं उनको डिस्ट्रक्टिव डिस्टिलेशन किया जाता है बोन्स का, यानी कि हड्डियों का, क्योंकि इसमें क्या होता है अप्रोक्सीमेटली 10% कार्बन होता है और बाकी जो होता है वो कैल्शियम फॉस्फेट होता है। नेक्स्ट होता है शुगर चारकोल। शुगर चारकोल को जो प्रिपेयर किया जाता है
जो प्योरेस्ट फॉर्म जो एमोर्फस कार्बन होता है उसे उसमें क्या किया जाता है कि जो शुगर कैन होता है यानी कि सुक्रोज होता है उसको एक्शन हीट किया जाता है कंसनट्रेटेड H2SO4 की प्रेजेंस में, यानी C12H22O11 को कंसनट्रेटेड H2SO4 की प्रेजेंस में हीट किया जाता है तो शुगर चारकोल यानी कि 12C, ये शुगर चारकोल होता है वो मिलता है और 11H2 सेपरेट हो जाते हैं। नेक्स्ट एक और होता है जो कि है चारकोल का ही जो फोर्थ है वो है एक्टिवेटेड चारकोल। देखिए चारकोल की जो सारी फॉर्म्स हमने की हैं, जो सारी फॉर्म्स होती हैं चारकोल की, ये हाई पोरस सब्सटेंस होता है। कभी कभी ये क्या करता है कि अपनी ही वॉल्यूम ऑफ गैस को एब्जॉर्ब कर लेता है। ये एब्जॉर्ब करता है एक इनके जिसके अंदर एक कैपेसिटी होती है, अगर इनकी हीट को इंक्रीज कर दिया जाए 1273 केल्विन टेम्परेचर पे तो ये अपनी ही गैसेस को एब्जॉर्ब कर लेता है। तो यहाँ पर इस ट्रीटमेंट से जो इम्प्यूरिटीज होती हैं उन्हें रिमूव कर दिया जाता है, जैसे कि रेजिडुअल हाइड्रोकार्बन्स की इम्प्योरिटीज इनको रिमूव कर दिया जाता है। और जो चारकोल है इस तरह से प्रिपेयर किया जाता है उसे एक्टिवेटेड चारकोल कहा जाता है। अब नेक्स्ट हमारे पास कार्बन ब्लैक भी होता है। ये जो फॉर्म होती है ये प्योरेस्ट फॉर्म होती है कार्बन की, जिसमें 98 से 99% प्योर कार्बन मिलता है। इसमें मिथेन को O2 की प्रेजेंस में हीट किया जाता है और इसको जब हीट करते हैं तो एयर की लिमिटेड सप्लाई प्रोवाइड करते हैं, तब हमारे पास जो कार्बन मिलता है ये ब्लैक कार्बन होता है और 2H2O यहाँ से सेपरेट हो जाता है जब मिथेन O2 के साथ रिएक्ट करता है। तो ये जो सारी फॉर्म्स है ना ये चारकोल की फॉर्म्स है। कौन कौन सी की है हमने? वुड चारकोल, एनिमल चारकोल, शुगर चारकोल, एक्टिवेटेड चारकोल और कार्बन ब्लैक, जिसे कि लैंप ब्लैक भी कहा जाता है। अब नेक्स्ट है इसकी एटॉमिक एंड फिजिकल प्रॉपर्टीज। देखिए जो एलोट्रॉप्स होते हैं यानी कि जो डायमंड, ग्रेफाइट और ये फ्लोरेंस और जो हमने अभी अभी किए हैं कॉक चारकोल, वुड एंड चारकोल, एनिमल चारकोल, शुगर चारकोल, ये जो सारे हैं ये जो फॉर्म है कार्बन जिसमें कार्बन प्रेजेंट होते हैं और जो एलोट्रॉप्स होते हैं कार्बन के इसे माइक्रो क्रिस्टलाइन कार्बन भी कहा जाता है। और इसकी केमिकल प्रॉपर्टीज ये हैं कि जो चारकोल होता है वो रिएक्टिव, वो ज़्यादा रिएक्टिव होता है एयर की प्रेजेंस में, वो जब बर्न होता है तो कार्बन डाइऑक्साइड गैस प्रोड्यूस करता है। ये मेटल के साथ कंबाइन होके जो कार्बन है, ये जो कार्बन की फॉर्म होती है चारकोल जो होता है वो मेटल के साथ कंबाइन होके कार्बाइड बनाता है। नेक्स्ट है डायमंड। डायमंड जो है वो रेजिस्टेंट होता है, जब इसे बर्न करते हैं एयर में, ठीक है, 1173 केल्विन टेम्परेचर पे, तो यहाँ से CO2 गैस प्रोड्यूस होती है। लेकिन ये क्या होता है कि वैक्यूम में ये 1173 केल्विन टेम्परेचर पे स्टेबल रहता है, लेकिन अगर इसका टेम्परेचर 2073 केल्विन कर दिया जाए तो ये ग्रेफाइट में चेंज हो जाता है। और अगर ये इसका टेम्परेचर 2273 केल्विन कर दिया जाए तो तभी चेंज हो जाता है, ठीक है, रैपिडली चेंज हो जाता है। नेक्स्ट है ग्रेफाइट। जो ग्रेफाइट होता है ये भी डायमंड की तरह होता है, ये अट्रैक्ट नहीं होता डाइल्यूट एसिड से। ये तो हो गई इसकी केमिकल प्रॉपर्टीज। अब हम कार्बन के यूसेस देख लेते हैं। देखिए जो ग्रेफाइट फाइबर होता है ये रेनफोर्स प्लास्टिक होती है, तो इसका यूज कहाँ किया जाता है? इसमें हाई स्ट्रेंथ होती है और इसका जो वेट होता है वो हल्का होता है, लाइट इन वेट होता है, इसलिए इसका यूज स्पोर्ट्स में, स्पोर्ट्स के गुड्स में किया जाता है, जैसे कि टेनिस में, बैडमिंटन रैकेट्स में, फिशिंग रोड्स में, एयरक्राफ्ट्स में, इन सब में इसका यूज किया जाता है। रेसिंग साइकिल्स के फ्रेम्स में भी इसका यूज किया जाता है, रेसिंग कार्स में भी इसका यूज किया जाता है। नेक्स्ट है कि जो ग्रेफाइट है गुड कंडक्टर होता है इलेक्ट्रिसिटी का, इसी वजह से जिस बैटरीज में किया जाता है और इंडस्ट्रियल इलेक्ट्रोलाइसिस में भी इसका यूज किया जाता है।
नेक्स्ट है कि जो एक्टिवेटेड चारकोल होता है ये पोरस गैसेस को एब्जॉर्ब कर लेता है। नेक्स्ट है कार्बन ब्लैक। कार्बन ब्लैक का यूज ब्लैक पिगमेंट बनाने के लिए किया जाता है, इंक के पिगमेंट जो होते हैं उनको बनाने के लिए किया जाता है, ब्लैक इंक बनाने के लिए। और इसके अलावा जो कॉक होता है इसका यूज एज अ रिड्यूसिंग एजेंट किया जाता है मेटलर्जी प्रोसेस में, और एज अ फ्यूल भी इसका यूज किया जाता है। लास्ट है डायमंड। डायमंड एक प्रीशियस यानी कि बहुत ही महंगा स्टोन पत्थर होता है जिसका यूज ज्वेलरी में किया जाता है। इसको कैरेट्स में मेजर करते हैं और इसमें इसका यूज कटिंग के लिए भी किया जाता है, कटिंग टूल्स के लिए, क्योंकि ये क्या होते हैं एब्रेसिव फॉर्म ऑफ कटिंग, और पॉलिशिंग के लिए भी इसका यूज किया जाता है। तो ये है कार्बन के यूजेस। थैंक यू। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। और ज्यादा अपडेटिंग वीडियोस के लिए आप हमारे चैनल लर्न एंड ग्रो पर हमें सब्सक्राइब कर सकते हैं। थैंक यू।